गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडीज ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स. माय नेम इज सुरभि भारद्वाज एंड टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 1 विच इज रैशनल नंबर्स. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास the introduction of rational numbers, why do we need the rational numbers and first property closure of rational number. Today we will study the second property of rational numbers, which is commutativity. What is commutativity? मतलब कि इसका मतलब होता है कि हम रैशनल नंबर्स को आपस में अगर इंटरचेंज करके अगर उस पर ये हमारे 4 ऑपरेशंस जो होते हैं अगर हम वो करें तो उसमें क्या क्या अंतर आता है, क्या क्या अगर तो उसमें कम्यूटेटिविटी है या नहीं है. तो हमारा सबसे पहले हम होल नंबर्स का पढ़ेंगे. होल नंबर्स में क्या है कि अगर हम होल नंबर्स को अगर ऐसे करके ऐड करते हैं, अगर हमें कोई होल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि हमें एक होल नंबर दे दिया 6 और दूसरा होल नंबर है 3, अगर हमें 6 में 3 ऐड करना है तो इसे हम 3+6 भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों का 9 ही आएगा. अगर हमने नंबर आपस में इंटरचेंज कर दी, उनकी प्लेस इंटरचेंज कर दी, तो हमें रिज़ल्ट सेम आएगा. तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी. अगर हम दो नंबर्स को अगर ऐड कर रहे हैं और आपस में उनको इंटरचेंज करके ऐड करें तो भी हमें रिज़ल्ट सेम मिले तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिविटी. तो अगर हम ऐड कर रहे हैं दो होल नंबर्स को आपस में और अगर उनको इंटरचेंज करके भी ऐड करके देखें तो हमें आंसर सेम ही मिलता है. नेक्स्ट करते हैं अगर सब्ट्रैक्शन, अगर हमें करना हो सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या होगा, जैसे कि हमें 6 और 3 एग्जांपल लेते हैं, 6-3 दे रखा है, इसका आंसर तो बहुत ईजी है, 3 आ जाएगा. बट इंटरचेंज करके लिखें 3-6 अगर करना है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 3 आंसर मिलेगा, आंसर सेम नहीं है. तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, हम इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते नंबर्स को, अगर किया तो आंसर अलग हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन, 6 × 3 किया 18, या फिर 3 × 6 किया आंसर 18, सेम आंसर आया दोनों जगह पे. तो मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव होते हैं, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो. अब डिवीज़न करना है, 6/3 हमें करना है, आंसर क्या मिलेगा 3. बट 3/ अगर हमने 6 किया तो आंसर क्या मिला हमें, 3/6 या फिर 1/2, आंसर सेम है नहीं है. और क्यों, क्योंकि ये होल नंबर, पहली चीज़ तो हमारा होल नंबर है ही नहीं और दूसरी चीज़ आंसर भी अलग है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं, हम डिवीज़न में होल नंबर्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते. फिर आता है हमारा इंटीजर्स. इंटीजर्स में अगर हम ए और अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते टाइम अगर हम, चलिए कोई एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि अगर हम 3+-4 अगर हमें ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, -1. सेम चीज़ अगर हम -4 को ऐड करते हैं 3 से तो हमें क्या आंसर मिलेगा, -1. सेम आंसर है. तो ये कम्यूटेटिव है, ये अगर हम दोनों को इंटरचेंज करते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर दे रहा है, हमें आंसर इक्वल ही मिलेगा. सब ट्रैक करके देखते हैं, 4- हमने किया 3, आंसर क्या मिला 1. अब -3 को हमने माइनस कर दिया 4 से, आंसर क्या मिला हमें, -7. सेम आंसर है नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन के टाइम पे. अब मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 4 × हमने -3 कर दिया, आंसर क्या मिला, -12. चाहे -3 × 4 कर दो, आंसर क्या मिलेगा, -12. सेम आंसर है, तो ये कम्यूटेटिव है, चाहे इंटरचेंज कर दो, कम्यूटेटिव आंसर ये प्रॉपर्टी है इसमें. डिवीज़न का, 4/ हमने क्या किया, 3 कर दिया. हाँ चलिए कोई इजी नंबर ले लेते हैं, 2 ले लिया हमने, आंसर क्या मिला 2. बट 2/4 करके देखिए आंसर क्या मिला, 1/2. सही है ये, नहीं है, क्योंकि इधर 2 आंसर था, इधर 1/2 आंसर था, तो इक्वल हमें वैल्यू नहीं मिली है, इनका रिजल्ट है वो इक्वल नहीं आया है, तो डिवीज़न में इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. बुक में देखते हैं एक बार, बुक में क्या लिखा हुआ था होल नंबर्स में,
कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो गया, ये कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा था, क्या समझा था हमने, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे 6-3 के आंसर 3 आया, पर 3-6 के आंसर क्या आया, -3। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे होता है, बिल्कुल होता है, और डिवीज़न के टाइम पे नहीं होता, आंसर चेंज आ जाएगा। इसलिए इंटीजर्स में देखते हैं, इंटीजर अगर में हम ऐड कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव होता है, दो इंटीजर्स को अगर हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नहीं होगा। इधर आपको एग्जांपल में भी समझा रखा है, फाइव में से हम सब्ट्रैक्ट करना है -3, फाइव में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप -3, तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 आंसर आएगा। उसके बाद अगर हम -3 में से माइनस कर रहे हैं 5, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, -8 आंसर मिलेगा, आंसर अलग अलग हो गया, तो ये नहीं होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे बिल्कुल होती है और डिवीज़न के टाइम पे नहीं होती है। अब आते हैं हम हमारे रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स में अगर हम ऐड कर रहे हैं रैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर, तो हमें आंसर सेम मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल दे रखा है 4/5 और -7/6 ही हमें ऐड करना है। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, 30, इधर आ जाएगा 24 और इधर आ जाएगा हमारा -35। रिज़ल्ट क्या मिला हमें, -9/30, ये रिज़ल्ट आ गया। इंटरचेंज करके देखते हैं, कैसे इंटरचेंज करेंगे, -7/6 में हमें ऐड करना है 4/5, 30 आ गया इधर, ये -35, इधर क्या आ गया प्लस का 24। आंसर क्या मिला, -9/30, ये और ये सेम आंसर आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं, तो हमारे इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड कर रहे हैं तो उसे अगर इंटरचेंज करके भी ऐड करें तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 2/3 और -1/4, एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 12 एलसीएम आ गया, 8-3 आंसर क्या है, 5/12। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1/4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2/3 से, एलसीएम लें, 12, 3 माइनस करेंगे 8 से, आंसर क्या मिला, -5/12, इधर ये प्लस का था, इधर किसका आ गया, माइनस का, सेम आया आंसर, नहीं आया। तो अगर हम किसी रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हम उसे इंटरचेंज करते हैं तो हमें आंसर भी सेम नहीं मिलेगा, आंसर उसका चेंज हो जाएगा, तो इसमें हमारी कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी नहीं है। मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई किया हमने 2/4 से, क्या आंसर आएगा, अब इसको इंटरचेंज करके लिख दो, 2/4 मल्टीप्लाई 1/3, क्या आंसर मिला, सेम आंसर मिला, तो सेम आंसर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको। डिवीज़न में, डिवीज़न में 2/4 आपको डिवाइड करना है 2/1 से, डिवाइड करने का आप जानते हो इसको, क्रॉस अब चेंज कर देते हैं, चेंज हमने कर दिया, आंसर क्या मिला, 1/4, चेंज करके देखते हैं, अब 2/1 हमें डिवाइड करना है 2/4 से, इसे चेंज करो, 2/1 मल्टीप्लाई 4/2, आंसर क्या मिला, 4, इधर आंसर क्या मिला था 1/4, इधर आंसर क्या मिला, 4, आंसर सेम नहीं है, तो इधर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। डिवीज़न में नहीं करती कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी काम, और सब्ट्रैक्शन में भी नहीं करती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों में ये प्रॉपर्टी काम करेगी आपकी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि हम पहले कौन सी जगह सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे होल नंबर्स में। होल नंबर्स में क्या आता है, सबसे पहले एडिशन, होल नंबर्स में हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सपोज करो कोई भी तीन नंबर है, 3+2
प्लस फाइव, इसमें हम पहले इन दोनों को ऐड करें या फिर हम ऐड करते हैं 3 + 2 को हम पहले ऐड कर लें उसके बाद उसमें 5 ऐड कर लें, रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। इधर पहले 5 और 2 को ऐड करें क्या आया 7, और उसमें हम 3 ऐड करेंगे, और इधर इनका क्या आया 5, और इसमें हम 5 ऐड करेंगे, दोनों का आंसर 10 आया। सेम आंसर आ रहा है, चाहे हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लें, आंसर सेम मिला हमको, सेम आंसर मिला। तो इसमें हमें एसोसिएटिविटी मिलती है, एसोसिएटिव होता है एडिशन, मतलब कि हम पहले 3 में से कोई भी 2 को सॉल्व कर लें आंसर आपको सेम मिलेगा। अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का अगर हम देखते हैं तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक, हम 3 - 2 करना है और इसमें माइनस करना है हमें 7, ठीक है। इधर कोई बड़ा नंबर लेते हैं, चलिए 9 ले लिया, और इधर लेते हैं हम 3, इधर 4, 9 में से हमें 4 और फिर माइनस करना है 3, ठीक है। अब इसे कैसे चेंज करें, 9 - 4 किया और फिर हम माइनस कर रहे हैं 3, सॉल्व करके देखते हैं दोनों में। इधर पहले इनको सॉल्व किया, आंसर क्या मिला हमें 1, और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इधर क्या मिला, 9 में से 4 माइनस किया तो 5, और इसमें से हमें 3 माइनस करना है, 3 माइनस करना है, चलिए करिए। इसमें आंसर मिला 8 और इसमें आंसर मिला 2, सेम है नहीं है, तो इसमें एसोसिएटिव नहीं होते हैं ये, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ए माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल नहीं होगा ए माइनस बी और माइनस सी के, ये इक्वल नहीं होगा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसे इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो और ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके इक्वल होगा। तो एडिशन में हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्योंकि इसमें हम पहले किसी भी को ऐड कर लें आंसर हमें सेम मिलेगा, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में अगर हम इंटरचेंज कर दें, पहले हम अगर किसी और पार्ट को ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर सेम नहीं मिलेगा। हमने इसमें एग्जांपल भी देखा है इसका। अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे, 2 × 3 × 4, इसमें हम पहले चाहे इसको सॉल्व करके देखते हैं और दूसरी तरफ हम 2 × 3 × 4 इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या है, 3 × 2 क्या होता है 6 × 4, और इसमें क्या हुआ 4 × 3 कितना हुआ 12 × 2, इधर कितना मिला हमें 24 और इधर कितना मिला 24, सेम आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a × b × c, ये इक्वल होता है a × b × c के, क्योंकि हमने इंटरचेंज किया तो भी हमें आंसर सेम मिला। अब डिवीज़न देखते हैं, डिवीज़न का देखते हैं तो 16 / 4 / 2, ठीक है। इसमें हम पहले ये सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद 16 / 4 और / 2, इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। इधर क्या आया, 4 / 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2, तो 16 / 2 करना है, और इधर क्या करना है 16 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिला हमें 4 / 2, इधर क्या आया 8 और इधर क्या आया 2, आंसर इक्वल है नहीं है, आंसर इक्वल नहीं है। तो a / b / c अगर हम कर रहे हैं, और इधर हमने क्या किया था a / b / c, इसमें हमने पहले ये सॉल्व किया था, तो ये इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे आपकी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। चलो रिवाइज करते हैं, होल नंबर्स में क्या हुआ था, होल नंबर्स में हुआ था अगर हम ऐड कर रहे हैं, पहले हम किसी भी वैल्यू को ऐड कर दें आंसर हमें सेम मिलेगा, मतलब यहाँ पे एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है। सब्ट्रैक्शन में हमें इक्वल मिलता है, सब्ट्रैक्शन में इक्वल हमें नहीं मिलता है, इक्वल नहीं मिल रहा है तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, ये नेगेटिव होता है इस जगह पे। मल्टीप्लिकेशन में हम पहले कोई भी सॉल्व कर लें आपको आंसर इक्वल मिलेगा, मतलब ये एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन इसका, और डिवीज़न में हमें आंसर सेम नहीं मिलता तो ये एसोसिएटिव नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम
इंटीजर्स की और रैशनल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी के पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।